खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ETL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आकर 11 गौवंश की गई जान। ढिगावड़ा स्टेशन पर सामने आया हादसा, अज्ञात व्यक्ति द्वारा रेलवे ट्रैक पर छोड़ने के कारण गाय हुई मौत का शिकार। तीर्थ क्षेत्र स्वच्छ भारत अभियान का हुआ शुभारंभ, प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर मोती डूंगरी हनुमान मंदिर से किया आगाज। सशस्त्र सेनानी दिवस पर श्रद्धांजलि के साथ ही स्टेडियम में की रैली, रक्षा मंत्रालय से जुड़े अनेक विभागों ने लगाए शिविर। और मोक्ष धाम पर ताला लटका होने से शव के साथ इंतजार को मजबूर हुए परिजन। हेडली के ग्राम डोरोली में सामने आई अजब स्थिति, दबंगों द्वारा मोक्ष धाम मार्ग के गेट पर ताला ठोकने से बने हालात। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। बांदीकुई अलवर रेल मार्ग स्थित ढिगावड़ा रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आकर 11 गौवंश की जान चली गई। स्टेशन मास्टर मोहनलाल मीणा ने बताया कि यह घटना रविवार सुबह करीब 5 बजे हुई है। गौवंश को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रैक पर छोड़ दिया गया था। हादसे में 11 गौवंश की मौके पर ही मृत्यु हो गई, साथ ही एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। आज ढिगावड़ा स्टेशन पर सुबह टाइम करीब 5:30 बजे के लगभग गाड़ी थी 12984 गरीब रथ, जिसपे ट्रैक के ऊपर किसी आदमी के द्वारा गायों को घेर के दिया गया, जिससे 10 और 11 गायें की लगभग कट गई हैं और उनमें से एक जिंदा मिली है, बाकी मरी हुई मिली। आपने जिंदी गाय को कहाँ पहुँचा है? जिंदी गाय को मैंने गौशाला राजगढ़ के सूचना दी थी, वहाँ से आदमी भेजे थे करीब 6-7 आदमी, और वो आदमी जिंदा गाय को गौशाला राजगढ़ ले गए। उधर सूचना मिलने पर भौरंगी धाम गौशाला के गौरक्षक अजय पंडित और अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। गौशाला में जख्मी गाय का उपचार जारी है। सुबह 7 बजे ढिगावड़ा स्टेशन मास्टर की सूचना मिली कि सुबह गरीब रथ जो ट्रेन आती है उससे 12 गायों की मौत हो चुकी है। एक गाय हमको मौके पर जिंदा मिली, जिसको हमने राजगढ़ भौरंगी धाम गौशाला भिजवाया है। वहाँ पर चिकित्सा टीम व गौशाला की पूरी टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है राजगढ़ गौशाला में। ये बहुत ही दुखद घटना है कि किसी भी आदमी ने गायों को घेर के पटरी के ऊपर करा, जिससे गायों की मौत हुई है। एक साथ 12 गायों की आज मकर संक्रांति की पारण पर आज एक गाय एक साथ 12 गायों की ऑन स्पॉट मौत हुई है, और एक गाय जिंदा मिली है जिसकी पैर कट गया है हड्डी बाहर आने से। यह घटना निश्चित रूप से दर्दनाक है और गायों को रेलवे ट्रैक पर छोड़ने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तीर्थ क्षेत्र स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ रविवार से हो गया। अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम पर अभियान चलेगा। इसी कड़ी में शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों और उनके आसपास सफाई अभियान की शुरुआत भी की गई। इस दौरान सुबह 7 बजे मंत्री संजय शर्मा और महापौर घनश्याम गुर्जर ने मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर से इसका आगाज किया। इस अवसर पर नगर निगम की ओर से करीब 60 सफाई कर्मचारियों और 5 ऑटो टिप्पर के साथ सफाई करवाई गई। वहीं महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार शहर के करीब 60 मंदिरों को चिन्हित किया गया है। यहां अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने आम जन से भी सफाई व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। लगभग प्रतिदिन 7-8 मंदिरों में साफ सफाई का अभियान प्रतिदिन चलेगा। ये साफ सफाई का अभियान मंदिरों के आसपास जहाँ भी जैसे कोई गंदगी है या झाड़ी जुए हैं, वो प्रतिदिन सफाई का कार्य इन मंदिरों के आसपास चलाएंगे, ताकि शहर के जो मंदिरों में आने जाने वाले जो भक्त हैं उनको ऐसा नहीं लगे कि यहाँ मंदिरों के आसपास कोई गंदगी है ये है। और भी आमजन को भी हम प्रेरित करेंगे कि आप अपने घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नगर निगम तो अपना कार्य करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ मैं आप जन से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सफाई का विशेष ध्यान रखें और उसमें अपना योगदान दें।
आज माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री संजय शर्मा जी ने इस अभियान की शुरुआत इस मोती डूंगरी के मंदिर से आरंभ की है। उन्होंने सुबह 7 बजे आकर यहाँ जो मंदिर के आसपास जो गंदगी थी और जो सफाई की व्यवस्थाएं थोड़ी वैसी दिख रही थी, उन सबको उन्होंने भी स्वयं ने श्रमदान किया, झाड़ू लगाई है और इस अभियान की शुरुआत की है। इसी तरीके से 7-8 मंदिरों में प्रतिदिन साफ सफाई का कार्य निगम की ओर से किया जाएगा। उधर इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश अडीचवाल, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष महेश मीणा, पंडित जले सिंह, राजेंद्र सैनी, पार्षद संध्या मीणा और विष्णु शंकर शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खेड़ली थाना क्षेत्र के ग्राम डोरोली में उस समय अजब स्थिति पैदा हो गई जब मोक्ष धाम पर ताले के चलते अंतिम संस्कार भी मुश्किल हो गया। वहीं मृतकों के परिजन परेशान रहे। जानकारी मिलने पर खेड़ली थाना पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि कुछ दबंगों ने मोक्ष धाम मार्ग पर बने गेट पर ताला लगा दिया। उन्होंने इसके विरुद्ध प्रदर्शन भी किया। खेड़ली के नायब तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता सहित थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने इनकी समझाइश की। उधर ताला लगे होने के कारण एक मृतक के परिजनों को शव के साथ घंटों तक इंतजार करना पड़ा। मोक्ष धाम पर ताले के चलते वे अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। ये जो रास्ता आ रहा है ये सरकार ये निजी रास्ते में होकर आ रहा है और निजी भूमि में है, खातेदारी भूमि में होकर आ रहा है और शमशान जो सरकारी ज़मीन में है इसके लिए दूसरा रास्ता भी है वो भी खातेदारी में होकर आ रहा है। अब आपसी समझाइश करके आज तो इनका शमशान के लिए यहाँ से जाने दिया, आगे इनके दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश करके स्थायी हल कर दिया जाए। ये डोरोली गाँव का मामला है। आज कोई एक माली समाज से किसी की डेथ हुई थी बुजुर्ग की और उनका ये विवाद था कि जो है हमारे कोई रास्ता था उनका, कोई भाई 100 साल से हम उधर से लेके जा रहे हैं और उधर से ही लेके जाएंगे और वो जगह जो है वो शायद खातेदारी राजपूत समाज की है तो उन्होंने जो है अपने निजी खातेदारी की वजह से उन्होंने गेट लगा दिया था। लेकिन कोई नहीं, दोनों पक्षों में समझाइश कर दी गई है। बॉडी जो है दाह संस्कार होने के लिए शमशान घाट पहुँचती है तो शांति मिले। और अब आपको दिखाते हैं कि 8वें सशस्त्र सेनानी दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की झलक। भारतीय सेना द्वारा 8वां सशस्त्र सेनानी दिवस रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में रैली के रूप में मनाया गया। रैली के जरिए सैनिकों की उत्कृष्ट सेवा के प्रति कृतज्ञता जताई गई। इस अवसर पर सेना के जवान और अफसरों सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह ने बताया कि यह आयोजन सन 2017 से शुरू किया गया था। उन्होंने जानकारी दी कि अलवर के 263 सैनिक शहादत दे चुके हैं, साथ ही 30,000 पूर्व सैनिक परिवार हैं। वहीं इस मेले में पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कॉरपोरेट जगत के 40 प्रतिनिधि भी पहुंचे। वे उनकी क्षमता के हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उधर कर्नल अखिल गुप्ता ने बताया कि रैली में रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभाग जैसे वेतन और भत्ते एवं पेंशन विभाग, ECHS, सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन और जिला सैनिक बोर्ड आदि ने शिविर लगाए हैं। इसके अलावा पूर्व सैनिकों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। पूर्व सैनिक दिवस का समारोह 14 जनवरी को इसलिए किया जाता है कि भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा 14 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। ये समारोह हमने शुरू किया था 2017 में और आज इसका 8वां समारोह हम आज कर रहे हैं। भारत में 10 जगह ये समारोह किया जा रहा है और अलवर में खास तौर पर इसलिए क्योंकि इस जिले में 263 पूर्व सैनिक जो अपनी श्रद्धांजलि दे चुके हैं, 30,000 पूर्व सैनिक उनके परिवारगण यहाँ रहते हैं जिनमें वीर नारियां शामिल हैं, तो ये काफ़ी बड़ी तादाद है एक जिले में पूर्व सैनिक होने की और वीर नारियां होने की, इसलिए हमने इस साल अलवर में इसका आयोजन किया है। आपको बताना चाहता हूँ कि 2 महीने पहले हमने इसकी तैयारियाँ शुरू कर दी थी और हमारी टीम्स घर घर जाके या जिला लेवल पे लोगों से मिल के आई हैं। काफ़ी जो समस्याएं थी उनका निवारण वहां कर दिया गया है और जो बच गया है उसमें से काफ़ी हद तक आज हम कर देंगे
और आज के बाद भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी और जब भी कुछ पूर्व सैनिक को जो जरूरत पड़ेगी वो अलग अलग जो अनुसंधान है डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलकर उनको निवारण करेंगे। आज यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत स्टॉल लगी हैं, मेडिकल कैंप है, कैंटीन की सुविधा, पेंशन का स्टॉल है, बैंक की स्टॉल है और ख़ास तौर पर 40 से ज़्यादा कॉरपोरेट के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं जो कि जॉब फेयर जो लग रहा है आज यहाँ रोजगार मेला, उसमें जो पूर्व सैनिक नौकरी चाहते हैं उनको वो देने में मदद करेंगे। तो हमारा पूरी कोशिश है कि हम इन सबको समस्याओं से समाधान दिलाएं और जो भी हमारी मदद हो सके वो इनकी करें। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उन्होंने भारत की सुरक्षा, अखंडता और भारत के विकास के लिए बहुत योगदान दिया है, उसके लिए भारतीय सेना और हर भारतवासी उनका कर्जदार है और हम श्रद्धांजलि देते हैं इन सबको जिन्होंने भारत की बढ़ोतरी के लिए योगदान दिया है। और वहीं सशस्त्र सेनानी दिवस पर कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर और एसपी सहित अनेक अधिकारी और एक्स सर्विसमैन मौजूद थे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर करतार सिंह ने बताया कि अलवर में फौज की नर्सरी है, यहाँ के बहुत से जवान सेना में भर्ती होते हैं जो सीमा की रक्षा करते हैं। इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की रही। वे दक्षिण पश्चिमी कमान के सेना कमांडर हैं। 14 जनवरी पूरे भारतवर्ष में सशस्त्र वेटरन्स के ऑनर में मनाया जाता है। इस दिवस पर भारतवर्ष के पहले CNC फील्ड मार्शल करियप्पा रिटायर हुए थे और इसी दिन को तीनों सशस्त्र सेनाओं में वेटरन के दिन पे यानी कि रिटायर्ड लोगों के ऑनर में मनाया जाता है और ये इसलिए भी मनाया जाता है ताकि जो स्थान उन रिटायरमेंट होने से जिन लोगों की वैकेंसी क्रिएट होती है उसके लिए भर्ती होने के लिए हमारे भारतवर्ष के नौजवान और स्पेशली अलवर जैसे जगह जहाँ पर फौज की नर्सरी समझी जाती है उनको मोटिवेट करने के लिए मनाया जाता है। आज कौन कौन आए कार्यक्रम में? आज कार्यक्रम में पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक्स सर्विसमैन, लोकल स्टेशन कमांडर, DM महोदय, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस महोदय और जो कोटा डिवीजन के जनरल ऑफिसर हैं वो आज यहाँ पर आए। मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को अनेक कार्यक्रम हुए। तिथि के अनुसार रविवार को यह पर्व मना, वहीं शास्त्रों के अनुसार सोमवार को मकर संक्रांति मनेगी। शहर में स्वामी दयानंद मार्ग स्थित आर्य समाज वैदिक मंदिर में रविवार को पंचकुंडीय महायज्ञ और वैदिक पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता जगदीश प्रसाद ने की। मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा का आर्य समाज से जुड़े पदाधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं हवन यज्ञ में पूर्णाहुति देकर पौष बड़े का प्रसाद वितरित किया गया। आर्य कन्या विद्यालय समिति अध्यक्ष कमला शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। इस मौके पर वैदिक धर्म के रक्षक स्वामी श्रद्धानंद जी की मूर्ति अलवर शहर में स्थापित करने की मांग भी रखी गई। इस पर मंत्री शर्मा ने स्वीकृति देते हुए मूर्ति स्थापित करने के लिए सहयोग के रूप में 51,000 की राशि प्रदान करने का ऐलान भी किया। जो हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, आज इस अवसर पर हमने पांच कुंडी यज्ञ रखा है जिसमें यहाँ पर यजमान आए हैं। बहुत ही श्रद्धापूर्वक यज्ञ किया गया और उसके अंदर विशेष बात यह है कि हमारे जो मंत्री हैं पर्यावरण राज्य मंत्री वन मंत्री श्री माननीय संजय शर्मा जी पधारे हैं और बहुत ही खुशी हुई है कि उन्होंने बिल्कुल अपनत्व साथ हमारे साथ सहयोग किया और इस अवसर पर आज हमने उनसे एक मांग रखी कि हमारे आर्य समाज के नहीं पूरे देश के वैदिक धर्म के रक्षक स्वामी श्रद्धानंद जी की एक मूर्ति का हमने यहाँ लगवाने का उनको ज्ञापन दिया है कि अलवर शहर में उनकी मूर्ति लगाई जानी चाहिए क्योंकि वो वैदिक धर्म के सनातन धर्म के रक्षक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वैदिक संस्कृति के लिए वैदिक सभ्यता संस्कृति के समर्पित किया। पूरा उनका जो अपना धन संपत्ति जो परिवार सब कुछ उन्होंने जो है अपने संस्कृति के लिए सर्वस्व दे दिया था। तो ये हम आशा करते हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, आश्वासन नहीं उन्होंने अपनी तरफ से 51,000 रुपये दिए हैं आगे के लिए वो लगवाने के लिए पूरा व्यवस्था करने के लिए कही है।
और वहीं नारायण सेवा संस्थान की अलवर शाखा की ओर से मकर संक्रांति पर्व पर होप सर्कस पर दान दाता शिविर लगाया गया। अध्यक्ष आर एस वर्मा ने बताया कि नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण आदि प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों के हार्ट सहित अन्य ऑपरेशन निःशुल्क करवाए जाते हैं। इन कार्यों में भामाशाहों का सहयोग लेने के लिए प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर शिविर लगाया जाता है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष हर वर्ष के बाद दिव्यांगों के निःशुल्क ऑपरेशन एवं SI गरीब परिवार के हार्ट के ऑपरेशन अंगहीन दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग प्रदान करने हेतु भामाशाह एवं दानदाताओं द्वारा प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के महापर्व पर ये शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें दानदाता अपना सहयोग देते हैं। नारायण सेवा संस्थान दानदाताओं के सहयोग से ही इस कार्य को उन्नति पर कर रहा है। उधर नारायण सेवा संस्थान की तरफ से होप सर्कस पर रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन डॉक्टर एस सी मित्तल को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर रामस्वरूप वर्मा, प्रमिला गुप्ता, रामप्रकाश गुप्ता, अशोक नागर और अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं मंत्री संजय शर्मा का भी अभिनंदन हुआ। उधर श्री सुधा सागर गौशाला समिति की ओर से होप सर्कस के समीप वीर चौक में गायों की रक्षार्थ 2 दिवसीय शिविर आरंभ हुआ। मकर संक्रांति पर्व पर रविवार को शिविर की शुरुआत की गई। गौशाला समिति प्रमुख बच्चू सिंह जैन ने बताया कि इसी दान से गौशाला का पूरे वर्ष का खर्चा चलता है। इसके अलावा रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, खैरथल और तिजारा सहित अन्य तहसीलों में भी दानदाता संग्रहण केंद्र खोले गए हैं। जैन के अनुसार इस वक्त गौशाला में 550 गायों का पालन पोषण हो रहा है। सुधा सागर गौशाला समिति की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गायों के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हम एक साल में एक बार ही ये संग्रहण केंद्र की करते हैं मकर संक्रांति के दिन। इसी दिन चारा, गुड़, पैसा जो लिया जाता है उससे सारे साल का खर्चा हमारा चलता है, और पूरे शहर के लोग पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं, पूरा दान देते हैं। 1 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक लोग यहाँ दान दे करके जाते हैं। और चूंकि मकर संक्रांति इस साल 2 दिन मनेगी, इसलिए आज भी यहाँ पर संग्रहण केंद्र खोला गया है और कल भी यहाँ पर संग्रह का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा पूरे ज़िले में खैरथल, रामगढ़, नौगावां, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ इत्यादि कस्बों में भी, रामगढ़ इत्यादि कस्बों में भी संग्रहण केंद्र गौशाला की ओर से। राजस्थान पेंशनर समाज द्वारा हर माह के दूसरे शनिवार को राशन किट वितरित की जाती है। पदाधिकारी अशोक शर्मा और मधुसूदन शर्मा ने बताया कि इसी कड़ी में जरूरतमंद महिलाओं और दिव्यांगों को 90 राशन किटों का वितरण किया गया। साथ ही मकर संक्रांति के अवसर पर पेंशनर समाज ने कढ़ी चावल, साड़ियों और कंबल भी प्रदान किए। समाज अलवर है जो हर शनिवार को, सेकंड शनिवार जो होता है हर महीने का, उसको अपन राशन किट वितरित करते हैं। इस समय वर्तमान में 90 ऐसी SI महिलाएं और बुजुर्ग हैं जिनको कि यह सहायता दी जा रही है। राशन किट में हम चावल, दाल, आटा और मसाले ये देते हैं। आज विशेष आयोजन पे हम सभी जो महिलाएं हैं उनको साड़ी और ब्लाउज, साथ में एक एक कम्बल और मीठे के रूप में गुड़ का वितरण कर रहे हैं। और यह जो सामग्री है यह तो इस संक्रांत के ऊपर विशेष रूप से कम्बल और गुड़ वगैरह की जो सेवा है वो दी जा रही है। और हर महीने के राशन किट दिया जाता है जिसमें हम आटा, दाल और चावल देते हैं। यह सभी जो ऐसी महिलाएं जो सहयोग बेचारी ऐसाएँ एकल हैं उनको हम यह सहयोग करते हैं। यह सारे पेंशन समाज के जो सदस्य हैं उनसे जो दानदाता हैं वो सहयोग करते हैं, और अन्य लोग भी जो सहायता देते हैं वो हमसे इसका स्वीकार करते हैं और उसी के रूप में हम यहाँ वितरित करते हैं। जी, ये सन 2018 से हमने प्रारंभ किया था जुलाई से, और 21 किटों से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया जो आज 91 पहुँच चुकी हैं, और अभी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, इसमें निरंतर बढ़ रहे हैं लोग। और लेकिन हमारे पास जितनी आर्थिक आमदनी उसके हिसाब से हम जोड़ते हैं लोग, बाकी लोगों की सभी की पूर्ति हम यथासंभव करने की कोशिश करते हैं, और भी भामाशाह को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ताकि ये काम और गति पकड़ सके। अलवर जिले में शनिवार रात्रि लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के स्कीम 4 में पुरुषार्थी समाज से जुड़े परिवार ने भी लोहड़ी का पर्व मनाया, साथ ही लोहड़ी की परिक्रमा की गई।
यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि लोहड़ी का पर्व घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। साथ ही नवविवाहित जोड़े और नवजात बच्चों के आगमन पर विशेष रूप से लोहड़ी मनाई जाती है। लोहड़ी ये मनाई जाती है अपने बेटों के लिए, पोतों के लिए, इनकी उम्र लंबी होए, सुख शांति रहे, खुशी रहे घर में। शादी होती है नए बेटे की, जब बहू आती है नई, जब भी लोही मनाते हैं। जिले में बच्चों के झुलसने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके पीछे अभिभावकों की लापरवाही भी एक बड़ी वजह है। बड़ौदा में के ग्राम बुटियाना निवासी 4 वर्षीय राधिका मटके पकाने वाली भट्टी की राख से झुलस गई। वे अपने ननिहाल आई हुई थी। खेलने के दौरान बालिका ने गर्म राख में अपने दोनों पैर डाल दिए। रोने की आवाज सुनकर पास ही में खड़े बालिका के मामा जितेंद्र ने उसके पैर बाहर निकाले। बच्ची का जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में इलाज जारी है। उसके पिता ताराचंद मजदूरी करते हैं। उधर सूर्यनगर निवासी 54 वर्षीय बिस्नी देवी अलाव तापते वक्त झुलस गई। इस दौरान उसके पति खेमचंद काम से बाहर गए हुए थे। महिला के कपड़ों में आग लगने से वह झुलस गई और चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, साथ ही पति को सूचना दी। महिला को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह घटना शनिवार की है। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शमुदयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जी प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जी प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे, ऐसा जी प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जी प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जी प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 01442338653 and 2338663। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और वही मकर संक्रांति से पूर्व शनिवार रात्रि लोहड़ी पर्व पर कई जगह आयोजन हुए। इस दौरान राज्य मंत्री संजय शर्मा ने भी डांस किया। शनिवार रात को अलवर शहर में कटी घाटी के आसपास कई होटलों में पंजाबी समाज की ओर से कार्यक्रम किए गए। इस दौरान राज्य मंत्री भी कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए। उनके आते ही डीजे पर भंगड़ा डांस शुरू हो गया। इस बीच संजय शर्मा ने भी लोहड़ी पर्व मनाते हुए उनके साथ डांस किया। वन मंत्री संजय शर्मा ने शहर में रघुमार्ग स्थित अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई की। इस दौरान शहर के अनेक लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। ज्यादातर मुद्दे बिजली, पानी और जमीन के थे। वहीं वन मंत्री ने लोगों की समस्या को सुनकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं।
और वहीं मालागढ़ क्षेत्र के हल्दीना गांव में 15 बिस्वा जमीन को लेकर ग्रामीणों ने वन मंत्री संजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित घनश्याम योगी ने बताया कि उनके पुरखों की जमीन पर एक अधिकारी के रवैये के कारण संकट बना हुआ है। पूरे दस्तावेज दिखाने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला, साथ ही अधिकारी द्वारा जेल भेजने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं वन मंत्री ने संबंधित अधिकारी से बात कर उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। मैं हल्दीना से आया हूं, घनश्याम योगी मेरा नाम है, और मेरे को मालाखेड़ा के तहसीलदार जी परेशान कर रहे हैं। वो जबरदस्ती मेरे ऊपर बोलते हैं कि तेरे को जेसी भिजवा दूंगा, जेल कटवा दूंगा, ये करवा दूंगा, और वो मौके की रिपोर्ट गलत तरीके से बनवा के और मेरे को साइन करवाने के लिए बोलते हैं। उसका मेरे पास वो जमीन का विवाद है जी, ये एफडी का जमीन को लेकर, ये है करीबन 15-20 जमीन को लेकर। क्या नाम है तहसीलदार का? तहसीलदार जी का नाम तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मालाखेड़ा के तहसीलदार जी हैं। इसकी सूचना आपने कलेक्टर को नहीं दी? कलेक्टर साहब के पास में 14-4 की कार्रवाई के लिए केस चल रहा है, उसको वो मानते नहीं है। पता नहीं किस तरीके से या किसी के कहने से वो आते हैं और धमकियां जैसी बातें करते हैं और गलत रिपोर्ट बना के मेरे को बोलते हैं इस पे साइन करो। मैंने उनको बोला भाई साइन करने से पहले मेरे को एक फोटो तो दे दो, इसको आप मेरे पास तो रहेगी, आप मेरे से किस चीज पे साइन करवा रहे हो? तो फोटो देने के लिए मना कर दिया। उसका मेरे पास वीडियो है, हाँ है ना मेरे पास में ऐसा वीडियो, और वो आए हैं उसका भी वीडियो है। मैं उनको मौका बता रहा हूँ जिसमें हमारे बुजुर्गों ने कुआं खोद रखा है, मेरे दादाजियों के भी बाप के टाइम से वो जमीन है हमारे पास, कुआं भी खोदा है, इंजन चलाया है। अशोका फाउंडेशन की ओर से शहर के गायत्री मंदिर के समीप स्थित नसिया जी जैन वाटिका में दिव्यांग शिविर रविवार को भी लगाया गया। यहाँ दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग और उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने रजिस्ट्रेशन कराए और लाभ उठाया। फाउंडेशन के वॉलंटियर संजय ने बताया कि अशोका फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के कार्य कर रहा है। यहां दिव्यांगों के लिए विशेषज्ञ द्वारा जयपुर फुट और बैसाखी आदि का नाप लेकर इन्हें तत्काल तैयार किया जाता है। इसके अलावा श्रवण यंत्र, ट्राई साइकिल और व्हील चेयर सहित कई प्रकार के उपकरण दिए जा रहे हैं। 13 जनवरी को और आज 14 जनवरी को अलवर के नसिया जी में अशोका फाउंडेशन द्वारा 5वां विशाल दिव्यांग शिविर का आयोजन हो रहा है। इसमें दिव्यांगों के भाई बहनों के लिए ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, कैलिपर, जयपुर फुट, जयपुर हैंड, बैसाखी, ये सारी चीज़ें निःशुल्क वितरित की जा रही है। अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं सर? इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 500 से अधिक हो गए थे। कल 13 जनवरी को 300 के आसपास दिव्यांगों ने यहाँ शिविर का लाभ लिया था। अंग उपकरण जो भी हैं वो उनको वितरित किए गए थे निःशुल्क। आज जो है 70 के आसपास जो है रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। शाम को 4 बजे तक शिविर का समय है, तो कोई भी दिव्यांग भाई बहन जिनको ट्राई साइकिल चाहिए, जयपुर फुट, जयपुर हैंड, कैलिपर, बैसाखी, तो वो यहाँ नसिया जी में अपना आधार कार्ड और विकलांग प्रमाण पत्र लाकर शिविर का लाभ ले सकते हैं। रामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम टोडली में खेत पर तारबंदी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसके चलते एक पक्ष से जुड़े पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार टोडली गांव निवासी मोतीलाल और उसके पुत्र पर गाँव के ही करीब एक दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। इन्हें गंभीर अवस्था में अलवर रेफर किया गया है। एक उसके मकान के पीछे मेरा खेत है, 5-7 दिन पहले तारबंदी कराई और कणवर के फुहारा लगाया। अब उस तारबंदी को परसों तोड़ दिया था। किसने तोड़ा? छोटे लाल। अच्छा, हमारे बेटे की बोले नहीं मैं इसको दारू पी रखी थी, उसने तार को फुहारन को भटाओ और इसको तारन को भटाओ। फिर वो जो उससे सुबह मुझसे उसी ने बच्चा ने की, मैं उसको सुबह वो दोबारा गाड़ आयो वहीं बैठा था, उन्हें मुझसे कुछ भी ना किया। फिर रात को उसके दिन को उसकी बैरवाणी से मेरी बैरवाणी खेकाई समझा लीजिए, बोले भान वान दारू पी राखी समझा लिया। फिर रात फिर रोज 9 बजे में फुहारा चल रहा, देख का आयो सही चल रहा। फिर रोज 11 बजे से कि वो जो लाइन उसमें पानी कम है तो दूसरी ठूंटी आधे खेत में एक बार चलाते हैं, आधे एक बार चलाते हैं। फिर ठूंटी बदलने के लिए गया, जब वो टूटा पाया सुबह उससे, फिर हमारे परिवार वाले हरचंद्र हरवीर दोनों से कह आया। गौ गणेश ने की बोले भाई हम उसको दारू पी राखी समझा दें। सुबह
उनसे ऐसे कह दी सुबह, फिर मैं वापस उनसे उन्हें कहा कोई दिक्कत ना आप गाड़ देंगे। मैं वहाँ गया तो उन्हें सोचा सर जो छोरा वहाँ पानी बारह साइड तक टूटी ने खोल बो या अपने को हम लोग कर दियो। मैं गौर क्या नाम आपके लड़के? मेरे बच्चे का नाम सुरेश है, इसकी 22 साल की उम्र। लोगों ने आपके साथ मार दिया? छोटे लाल, शिवकेश, मुखराम, नेत्राम और बबली मुख और हरसी कुराड़ी और कुराड़ो लकड़ी काटने को कुराड़ो वो दो कुराड़ा इसके इसके ज्यादा मेरे भी आया क्या टाँका। तो कितने टाँका है आपके? मेरे 7 टाँका है और 12 टाँका दोनों के इसके कुराड़ी दोनों। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। मिश्रा के अनुसार चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार पर इसे लेकर आरोप लगाए थे, लेकिन वह खुद भी व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे। राज्य में महिला अपराध में भी वृद्धि हो रही है। जो लोग रोज ये भाषण देते थे राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब है, अब उनको खुद सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। रोज रोज नए नए कांड हो रहे हैं, डेली कोई न कोई उत्पात होता है। तो अब मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से निवेदन है कि अब अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई करें जिससे जनता को राहत मिल सके। उधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने राजस्थान सरकार से डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग भी की है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट है और रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भाषण दिया करते थे कि हमारी सरकार बनते हम वेट कम करेंगे। अब तो राजस्थान में डबल इंजन सरकार होगी, इसलिए माने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को मिलकर के वेट कम करना चाहिए और अन्य स्टेटों के बराबर राजस्थान में डीजल पेट्रोल के रेट करने चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। अलवर शहर के बुधविहार में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। वैश्य समाज से जुड़े सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मैराथन का आयोजन किया गया है। यह दौड़ यहां स्थित गौशाला के सामने से रवाना हुई और प्रगति अस्पताल पर संपन्न हुई। इस मौके पर पौधरोपण भी हुआ। अध्यक्ष गुप्ता के अनुसार हर रविवार को पौधे लगाए जाते हैं। समाजसंघ की दौड़ते हैं, मैराथन है और आज पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के अभियान भी के साथ ही अब मैराथन दौड़ रखा गया और ये बहुत ही सराहनीय वर्क है हमारा और समाजसंघ समय समय पर अच्छे प्रोग्राम करता रहता है। संयुक्त वैश्य महासभा बिहार विजयनगर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। महासभा ने मकर संक्रांति पर एक मैराथन दौड़ का आयोजन रखा था जो हमारे यहाँ 500 परिवार वैश्य समाज के हैं जो हर महीने हर सप्ताह कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। तो आज हमारा ये प्रथम प्रयास है मैराथन दौड़ का जिसमें आज सभी हमारे कार्यकारिणी मेंबर सदस्य और समाज के काफी लोग इकट्ठे हुए हैं और हम तो प्रभु से ये कामना करते हैं हमारे प्रोग्राम आगे हमेशा चलता रहे। पिछले 8 या 10 दिनों से हम संयुक्त महासभा की ओर से राम सिया की जो प्रभात फेरी है वो भी लगातार जारी है और संयुक्त महासभा बुधविहार वैश्य समाज की जो नित्य प्रतिदिन अच्छे अच्छे जो सामाजिक सौंदर्य को सुधारने वाले प्रोग्राम आयाम करता रहता है। मैं इससे हमारे यहाँ का जो सौंदर्य है सामाजिक सौंदर्य है वो भी बहुत अच्छा रहता है और इनसे और भी कई समाजों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इनके हर काम में अच्छे से पार्टिसिपेट करता हूँ और मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। आज का जो इनका प्रोग्राम है ये भी बहुत बहुत ही सुंदर और शानदार प्रोग्राम है मैराथन दौड़ का। अलवर शहर में मोबाइल पार करने की घटनाएं निरंतर हो रही हैं। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक मेडिकल शॉप पर दो अज्ञात छात्रों ने पहले तो बुजुर्ग को बातों में उलझाया और फिर उसका मोबाइल लेकर फरार हुए। सीसीटीवी कैमरे में भी ये छात्र कैद हुए हैं। पीड़ित भानु प्रकाश शर्मा ने बताया कि वह दोपहर में खाना खाने घर चला गया, इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति आए और दुकान पर मौजूद उनके पिता को बातों में लगाने के बाद उनका मोबाइल लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने वैशाली नगर थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। खबरें अभी और भी है लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर, यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर, फोन नंबर 01442332624, 01442332625। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मेगा हाईवे मार्ग स्थित औद्योगिक क्षेत्र में शेखा के बगीचे के समीप सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ बाइक को बचाने के प्रयास में मिनी ट्रक के पलटने से उसमें सवार 3 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए। चालक कुलदीप सिंह बैरवा ने बताया कि वह जयपुर से आ रहा था। राजगढ़ में शेखा की बगीचे के समीप उसके आगे जाते एक बाइक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इसे बचाने के प्रयास में मिनी ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। इसके अलावा ट्रक को क्रेन की सहायता से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया गया। घायलों का राजगढ़ चिकित्सालय में उपचार जारी है। इनमें ट्रक चालक कुलदीप सिंह पैरवा सहित कमलेश, चांदनी और पूनम शामिल हैं। खेड़ली कस्बे के कजौड़ी मोहल्ला स्थित पालीवाल जैन धर्मशाला से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जैन समाज एवं मुमुक्षु नेहा जैन के परिजनों ने इसका आयोजन किया। इस दौरान जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। शोभा यात्रा के दौरान अनेक जैन तीर्थंकरों की झांकियां सजाई गई। साथ ही जैन साध्वी की दीक्षा ले रही मुमुक्षु नेहा जैन द्वारा सांसारिक वस्तुओं का बरसी दान किया गया। उधर शोभा यात्रा पूर्ण होने के बाद गौरव पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी पहुंचे। साथ ही कठुमर विधायक रमेश खींची सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुमुक्षु नेहा को शुभकामनाएं दी। पालीवाल जैन समाज द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। बानसूर स्थित कालका माता मंदिर परिसर में तीर्थ क्षेत्र स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। इसके तहत रविवार को मंदिर परिसर की सफाई के साथ ही सजावट की गई। इसके अलावा स्वच्छता सैनिकों का स्वागत हुआ। मकर संक्रांति पर क्षेत्र के भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ सफाई की। इसके अलावा लोगों से कस्बे को सुंदर बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने तक मंदिरों के आसपास यह अभियान चलेगा। वहीं इस दौरान सज्जन मिश्रा, सतवीर यादव, नरेंद्र चौधरी, रामानंद दीक्षित, योगेश सोनी, बबलू वाल्मीकि और सुरेंद्र चौहान आदि की उपस्थिति रही। हमारे बानसुर में जन जन के आराध्य हमारी कालका माता मंदिर में सबसे पहले सफाई करके इस अभियान का आगाज किया गया है। बड़ी संख्या में एकत्र होकर यहाँ सफाई भी की और मंदिर के द्वार पर फूल मालाओं से सजावट भी आज की गई। बढ़ते अगले खबर की ओर। जनटनी का बारा से चिमरावली मोड़ तक स्टेट हाईवे 44 का कार्य चल रहा है। वहीं सारंगपुरा गांव के लोगों ने यहाँ नाले निर्माण नहीं करने को लेकर यह कार्य रुकवा दिया। उनका कहना था कि सड़क की सतह ऊंची है और पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है। ठेकेदार ने वादा करने के बावजूद बारिश एवं घरों के पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन नहीं डलवाई है। वहीं इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार,
पंचायत समिति प्रतिनिधि रतिराम गुजर और दूल्हेराम गुजर आदि मौजूद रहे। जो एक प्रॉपर है भाई, नाले का जगह नाले का काम चले, जो इस्टीमेट में इनका जो रोड है उसके हिसाब से काम चले, जहाँ इनके जो रोड का सेंटर लाइन है उसके दोनों साइड बराबर जितनी इनकी नाप आती है उतना ले कर चलें। और मेन समस्या ये कि नाला बना नहीं रहे, नाला नहीं बनेगा तो अगर आज भी बरसात हो जाती है तो पूरे घरों में पानी भर जाएगा। तो नाले के साथ रोड के साथ साथ नाले का काम चालू रखे, हमारी सभी ग्राम वालों की यही मांग है। हम सब ग्राम वालों ने मिलकर काम बंद किया है, कोई जिम्मेवार आदमी हो जिस पूरा जिम्मेवारी से वो आदमी कहे कि ये काम इस तरह से, ये फिर गांव वालों को ये बताए पहले ये काम इस तरह से यहाँ होना है, इस तरह का इसका वो है एस्टीमेट, भाई इतना रोड में जाएगा, इतना मकान टूटेंगे, जो भी है कोई बताए यहाँ पे, तब जाकर काम चालू होगा। राजगढ़ कस्बे में गोविंद देव मंदिर के पास शनि मंदिर में पौष बड़े का आयोजन किया गया। इससे पूर्व पंडित धर्मेंद्र शर्मा ने पूजा अर्चना की। यहाँ शनि महाराज को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण करवाया गया। इस दौरान गौ सेवा एवं गौ रक्षा का भी आह्वान हुआ। कार्यक्रम में नगरपालिका वाइस चेयरमैन मौसम देवी गुजर, ब्रिजवासी गौ रक्षक सेवा संस्थान के जिलाध्यक्ष नागपाल शर्मा, पंडित प्रशांत पाराशर, अजय शर्मा और पंडित नेमी शर्मा आदि मौजूद रहे। राजगढ़ के डिगावड़ा पंचायत पर शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे, साथ ही भाजपा नेता बन्नाराम मीणा की उपस्थिति रही। उपखंड अधिकारी सीमा खेतान ने शिविर की जानकारी दी। इस मौके पर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा कृषकों को ड्रोन द्वारा दवा छिड़काव के बारे में बताया गया। और वहीं ग्राम पंचायत पाटन में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आम जन को प्रेरित किया गया। इस प्रक्रिया में सरपंच सरोज मीणा ने भी ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग किया, साथ ही विकास अधिकारी और अन्य कार्मिक मौजूद रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बालेटा में जगह की कमी बनी हुई है। यहाँ सिर्फ 3 क्लासरूम है, इसके अलावा खेल मैदान के नाम पर कुछ नहीं है। लेकिन इससे निराश होने के बजाय प्राचार्य संगीता गौड़ सहित स्टाफ सदस्यों और बच्चों ने मेहनत कर खेल मैदान का विकास किया है। इसके लिए श्रमदान किया गया। इस मौके पर प्रदीप गांधी, सुरेश मिश्रा, लक्ष्मी और गायत्री यादव आदि मौजूद रहे। वहीं सुरेश मिश्रा के सहयोग से JCB चलवा कर जमीन को समतल बनाया गया है। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपुरा में रविवार को 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। इसमें पहले दिन मैराथन दौड़ एवं बॉल थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दोनों स्पर्धाओं में 153 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि भानु सिंह शेखावत ने पृथ्वीपुरा फाउंडेशन द्वारा आयोजित मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें पलखड़ी के जावेद प्रथम रहे, जबकि बॉल थ्रो स्पर्धा में बालेटा के विजय मीणा ने पहला स्थान पाया। राजगढ़ कस्बे के कांकवाड़ी बाजार स्थित सिंह सभा गुरुद्वारे में 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व मनेगा। प्रवक्ता अमरजीत सिंह एवं सचिव सुरजीत सिंह ने बताया कि इससे पूर्व प्रभात फेरी निकाली गई, साथ ही रविवार की दोपहर भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। यह नगर कीर्तन प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। इसके अलावा 15 जनवरी को सुबह 10 बजे अखंड पाठ साहिब और हरनेक सिंह एवं सरदार सुरजीत सिंह द्वारा गुरुवाणी कीर्तन सहित शब्द गायन किया जाएगा। इसके अलावा अटूट लंगर होगा, साथ ही 17 जनवरी को शाम को विशेष कीर्तन दरबार सजेगा। अकबरपुर कस्बे में सिंधी समाज द्वारा लोहड़ी पर्व मनाया गया। इस मौके पर शनिवार को सिंधी मोहल्ले में कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां रात्रि को महिलाओं ने सामूहिक रूप से लोई माता की पूजा अर्चना की, साथ ही परिक्रमा देकर क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। लोहड़ी प्रज्वलित कर मूंगफली, रेवड़ी और पताशों का भोग लगाया गया। समाज और एक पंजाबी समाज का एक त्यौहार है जो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसमें हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, सभी मिलकर गुड़, गजक, रेवड़ी, मूंगफली का प्रसाद चढ़ाते हैं और परिक्रमा देते हैं। सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस तरह से हमारे त्यौहार बड़ी खुशियों से मनाया जाता है। बधाइयाँ एक दूसरे को देते हैं, मतलब ये खुशी मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। नए साल में एक त्यौहार आता है ये वाला लोहड़ी पर्व, समूह के रूप में मनाया। हाँ बिल्कुल, समूह के रूप में मनाया जाता है। ये हमारा सिंधी समाज इकट्ठा होता है यहाँ पे, शाम के टाइम जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, परिक्रमा देते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो ये त्यौहार भली भांति अच्छे खुशियों से हर्षोल्लास कामना करते हो। क्या पूजा के बाद क्या कामना करते हो? कामना ये करते हैं कि नए साल में जो भी मतलब ये पूरा साल हमारा खुशियों से भरा रहे।
अकबरपुर कस्बे में बंदरों के आतंक के चलते ग्रामीण परेशान हैं। रविवार को बंदरों ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे छत से गिरा दिया। गंभीर रूप से घायल घनश्याम प्रजापत का स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार उसके घर में घुसकर बंदरों ने सामान उठा लिया और छत पर चढ़ गए। जब सामान लेने के लिए वह छत पर गया तो उस पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। पीड़ित का कहना है कि अकबरपुर में बंदरों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बंदर भगा रहा था, साथ बंदर ने मेरे को छत से धक्का दिया था। कब की बात है? अभी 10 मिनट पहले की बात है। तो बंदर ऊपर छत पर आप गए थे भगाने के लिए? हाँ, छत से भगा रहा था। तो कितने बंदर थे वो? बंदर सर कम से कम 20-25 थे। तो आप मतलब हमला किया? हमला किया जब सर मैं छत से नीचे अंदर कमरे में से सामान ले गए। कमरे में सामान ले? अंदर कमरे में से सामान ले गए और फिर ये भगाने गए तो 20-25 बंदर थे, उन्होंने छत पे से इनको गली में भगा दिया धक्का दे के। नहीं अच्छा, तो कितनी चोट आई है? चोट बहुत देख रहे हो कंडीशन का। तो कितने कितने साल से बंदरों का आतंक? बंदर इनको तो करीब करीब 8-10 साल से ज़्यादा आतंक हुए पड़ा। अब तो अति ज़्यादा हुए पड़े, बहुत भयंकर। जीना आराम कर रखा, गेट इनका कुंदी तगात खोल के अंदर से सामान ले जाते हैं। क्या बिना लॉक लगाए बिना तो छोड़ते ही नहीं। छोटे बच्चों को ज़्यादा आपत्ति? छोटे बड़े बुजुर्ग सबन को आपत्ति है, सबन को दिक्कत ही है। और अगर सर्दी के मौसम में थोड़ी बहुत देर धूप में खाना खा ले तो धूप में खाना नहीं खाने देते बंदर, क्या थाली में से ले जाते हैं। सरिस्का की वादियों में स्थित प्राचीन पांडुपोल हनुमान जी मंदिर में शनिवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामकिशोर मीना भी यहां दर्शन करने पहुंचे। मंदिर के पुजारी ने उनका स्वागत कर बालाजी का प्रसाद भेंट किया। इस दौरान पूर्व मंत्री मीना ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। वे खुद भी धीरोड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित कैंप में पहुंचे। इस दौरान सरपंच विश्राम मीना सहित ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया। वहीं टहला भाजपा मंडल अध्यक्ष राम राय शर्मा आदि भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की आम जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, कांग्रेस के कुशासन को समाप्त किया है और भारतीय जनता पार्टी की सफल सरकार बनाई है, तो राजस्थान में लोकसभा की 25 की 25 सीट निश्चित तौर से जीतेंगे। लगातार ये हैट्रिक होगी क्योंकि दो बार पहले भी 25 की 25 सीट हम जीत चुके हैं और वर्तमान में तो क्योंकि हमारी खुद की सरकार है। अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने ग्राम साहोड़ी के खेल मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि खेल को हमेशा भाईचारे के साथ खेलना चाहिए, वहीं हार और जीत खेल का अभिन्न हिस्सा है। इस दौरान आयोजन समिति द्वारा अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जय माता धौलागढ़ देवी सेवा मंडल नगर की ओर से पदयात्रा रविवार सुबह कठुमर पहुंची। इस 11वीं पदयात्रा का कस्बेवासियों की ओर से पूर्व पंचायत समिति सदस्य सिप्पी सोनी के नेतृत्व में स्वागत किया गया। नगर कस्बे के प्राचीन कुंडा वाले राम मंदिर से रविवार की सुबह 7 बजे धौलागढ़ देवी धाम के लिए पदयात्रा रवाना हुई। इसमें 400 भक्त शामिल रहे। साथ ही होद वाले बगीचे सहित कई जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर नगर के पालिका अध्यक्ष रामवतार मित्तल, कठुमर पालिका अध्यक्ष शेर सिंह, भाजपा नेता भानु सोनी, दिनेश बंसल, राजू तरोडर, सुनील बजाज और शिब्बो राम आदि मौजूद रहे। नगर कस्बा से प्रारंभ होती है हमारी पदयात्रा जी, और नगर में हमारे प्राचीन मंदिर है कुंडा मंदिर, राम मंदिर, वहाँ से प्रातः 7 बजे पदयात्रा में रवाना होती है जी। और हमने जब ये पदयात्रा आज से 10-11 साल पहले शुरू की थी, जब 7 लोगों से हमने ये पदयात्रा शुरू की थी और आज एक विशाल जनसमूह के रूप में आस्था भक्तों की और देव मैया का जो बुलावा है उस तरीके से आप देख रहे हो, बहुत बड़ा विशाल रूप ले चुकी है। करीब 500 आदमी आज हम इस पदयात्रा में शामिल हैं और हमारे जगह जगह भव्य स्वागत होता है और देवी मैया पर प्रसाद होता है। खासतौर से कठुमर वासियों का इतना प्रेम है कि आप देख रहे हो कि आज हम लोग कम हैं और उनके जो हमको यहाँ पे जो स्वागत करता है और हमको प्रसाद जो खिला रहे हैं, स्वागत नाश्ता दे रहे हैं, वो लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, आज पदयात्रा में कितने पदयात्री हैं अपने? हमारे पदयात्री रिकॉर्डेड 400 पदयात्री हैं। अच्छा, कब से प्रारंभ हुई है ये? 2000
10 से शुरू हुई। अच्छा, अब कौन सी पद यात्रा है? ये 11वीं पद यात्रा है हमारी। अच्छा, यात्रा के संयोजक कौन है? ये सब पूरा मंडल है, इसमें ना तो कोई विशेष कोई पदाधिकारी है ना कोई, सभी इसमें 10-5 आदमी जो हमारे सबके सहयोग से पद यात्रा चल रही है। कठुमर कस्बे की जाट धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि सरकार ने ERCP पर काम करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री जल्द ही बैठक कर इस योजना को अमली जामा पहनाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान भी किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक रमेश खींची ने मंत्री से किसानों को दिन में बिजली दिलाने की मांग की। सम्मेलन में नगरपालिका चेयरमैन शेर सिंह मीना, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज आदि उपस्थित रहे। उस सदन में रहकर के इस विधानसभा के हितों की रक्षा करने का 5 साल का आपको इन्होंने ट्रस्टी बनाया। आप 5 साल इनके लिए संघर्ष करिए, आपका 2.5 साल का वायदा भी पूरा होगा और इन जनता की आशा अपेक्षाएं भी पूरी होंगी। मेरा आह्वान, मेरा आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह, आप इस्तीफा लेने वाली बात को वापस लें और ये कहें कि आपको जो सपना है उसको पूरा करने का काम रमेश खींची करेगा। जब सदन ही छोड़ जाएगा तो कहेगा कौन? आप सब सहमत हैं ना इसे? आपका जब आशीर्वाद मुझ पर है, मैंने लोगों से संकल्प लिया था तो संकल्प आपने पूरा कर दिया कि निश्चित रूप से 2.5 साल में हो जाएगा पूरा काम। तो मैं केवल 100% निश्चित रूप से चंबल इस कैनाल का पानी आएगा। देखिए, राजस्थान में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बने, तो उन्होंने पहले ही दिन ये कहा कि अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का हम संकल्प पूरा करेंगे। आज आप देख सकते हैं, जो 1 महीने पहले जब कांग्रेस की सरकार के लोग थे, उनके सत्ता उनके पास थी 1.5 महीने पहले, तो किस तरह का आलम था, अब आप खुद महसूस करते हैं। पुलिस चुस्त है, दुरुस्त है, मुस्तैद है। पुलिस के जवान अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं, तैनात हैं और दमादम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और पिछले 1 महीने का आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो अपराध का ग्राफ हमारे इस इलाके में गिरा है निश्चित रूप से। बड़ौदा वेव कस्बे के समीपवर्ती ग्राम खातीबास में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दौड़ का आयोजन हुआ। नवयुवक मंडल के सदस्य ऋषि ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि जगदीश जाटव ने की, जबकि मुख्य अतिथि जिला पार्षद प्रतिनिधि रामचरण वर्मा रहे। दौड़ में करीब 80 बच्चों ने भाग लिया। सभी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। पूरे ग्राम पंचायत घाट में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 2 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं, एक 1600 मीटर और एक 400 मीटर। जिसमें 1600 मीटर में जो 20 वर्ष तक के छात्र छात्राएं हैं उनको शामिल किया गया, और जो 400 मीटर की है उसमें 18 साल से कम उम्र के बालक को शामिल किया गया है। और इसमें लगभग 80 छात्रों ने भाग लिया और बड़ी रोचक प्रतियोगिता रही है मकर संक्रांति के अवसर पर, जिसमें दोनों ही दौड़ों में 3-3 प्रत्याशी जो प्रथम द्वितीय तृतीय रहे हैं, उनको जो प्रथम विजेता है उसको 1100 रुपये और द्वितीय विजेता है उसको 500 रुपये और जो तृतीय स्थान पर रहे उसको 200 रुपये देकर सम्मानित भी किया गया और उनका माला पहना करके सम्मानित किया गया है। और पहली बार ग्राम पंचायत घाट में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े उस जोश खरोश के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन किया। पहली बार पहल की गई है ग्राम पंचायत घाट में और उम्मीद रहेगी कि इसी तरीके से प्रतियोगिताएं आगे भी होती रहें और इससे भी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होती रहें। हमारा इनके लिए पूरा सहयोग रहेगा जनप्रतिनिधि होने के नाते, और इससे क्या है कि बच्चों में एक हौसला अफजाई और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बड़ौदा में कस्बे में अग्रवाल धर्मशाला के पास स्थित शिव हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। इस दौरान रविवार को रुक्मणी मंगल विवाह की कथा सुनाई गई। श्रद्धालु कुलभूषण ने बताया कि शिव हनुमान मंदिर में सोनू कृष्ण ठाकुर महाराज कथा वाचन कर रहे हैं। इस दौरान राधा कृष्ण सहित कई भव्य झांकियां सजाई गई। भागवत कथा का समापन सोमवार को होगा, साथ ही 16 जनवरी को हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कास्ती था और दूसरी का नाम प्रस्ती था, तो दोनों पत्नियां आज ससुराल के पास में गई और ससुपाल के पास जाकर के भगवान से युद्ध करने आया ससुपाल,
जरासंध के पास में गई। जरासंध युद्ध करने आया। भगवान ने जरासंध को 17 बार हरा दिया। 18वीं बार भगवान रणछोड़ कर करके भाग गए। उसी दिन से भगवान का नाम रणछोड़ भगवान पड़ गया। खैरतर के सीनियर स्कूल में जिला कलेक्टर हनुमान मलढाका ने रविवार को पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं का सम्मान किया। उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। साथ ही जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हर कार्यालय में पूर्व सैनिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से निवारण किया जाए। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक रामहित यादव, अशोक डाटा और महासिंह आदि मौजूद रहे। आज हमारा देश सर्वांगीण प्रगति की ओर अग्रसर है। सुरक्षा किसी भी देश की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। अगर कहीं पर भी आपने भी देखा होगा अभी बड़े बड़े देशों का क्या हाल होता है, यूक्रेन विवाद होता है और विवाद होता है, जो अपने आप में बड़े कहलाते हैं लेकिन अगर सुरक्षित नहीं होते हैं तो उस देश की स्थिति बड़ी नाजुक होती है। असुरक्षित परिवेश में न तो कोई विदेशी निवेश प्राप्त होता है, ना कोई यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है कहीं पैसा लगाने को आतुर होते हैं। सबसे पहले आवश्यकता सुरक्षा की होती है। तो आज मुझे यह अवसर मिला है कि खैरतर तिजारा जिले के भूतपूर्व सैनिक शहीद के परिवार के परिजन और जिन्होंने भी योगदान दिया है उनको सम्मान करने का मौका मिला है। उधर बिजलीगढ़ चौराहे के पास सरदार भगत सिंह एवं हेमू कालानी चौक पर अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि की गई। इस अवसर पर विधायक दीपचंद खैरिया, प्रधान बीपी सुमन, पूर्व विधायक रामहित यादव, नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी और व्यापार समिति अध्यक्ष अशोक डाटा आदि उपस्थित रहे। खैरदर में पंजाबी सभा समिति की ओर से शनिवार की शाम लोहड़ी मनाई गई। वहीं पंजाबी भवन में मैजिक शो का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा अनेक कार्यक्रम हुए और परिक्रमा दी गई। इस मौके पर पंजाबी समाज के अध्यक्ष कपिल शर्मा, जिला सचिव पंकज खुराना, रमेश मिस्त्री, कश्मीरी छाबड़ा और महेंद्र छाबड़ा आदि मौजूद रहे। खैरतल से ध्यानगिरी महाराज के शिवालय में बरसी उत्सव आयोजित हुआ। इस मौके पर हवन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोविंद गिरी महाराज सहित विधायक दीपचंद खैरिया एवं महंत बालकनाथ, पूर्व एमएलए रामहित यादव, जिला कलेक्टर हनुमान मलढाका और एसपी सुरेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। खैरतल में 40 फुट रोड पर R9 ग्रुप द्वारा वस्त्रों का वितरण हुआ। साथ ही जरूरतमंदों को शूज प्रदान किए गए। रविवार को स्वामी ध्यानगिरी महाराज की 32वीं पुण्यतिथि और मकर संक्रांति पर यह कदम उठाया गया। इस मौके पर ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हर वर्ष की तरह शहर में कंपनी बाग बाईपास रोड पर पौष बड़े का आयोजन हुआ। भारत प्रिंटिंग प्रेस के संस्थापक राम सिंह बेनीवाल द्वारा हर साल यह आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर मंत्री संजय शर्मा, नगर निगम महापौर घनश्याम गुजर सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। और वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर अखेपुरा मोहल्ला स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में गायत्री महायज्ञ किया गया। गायत्री परिवार ट्रस्ट करौली कुंड द्वारा आयोजित इस यज्ञ में विजय गुप्ता, कैलाश, श्यामलाल साहू, जिला युवा प्रभारी जितेंद्र यादव एवं सप्त आंदोलन के प्रभारी मुकेश गुप्ता आदि का सहयोग रहा। इस अवसर पर मनोज कुमार एवं नरेंद्र कुमार ने गायत्री महायज्ञ में विश्व शांति, समाज कल्याण एवं बालकों में संस्कारों के लिए आहुतियां दी। गौरतलब है कि गायत्री परिवार की युवा इकाई दिव्य भारत युवा संघ द्वारा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बालकों की संस्कारशाला चलाई जाती है। बैरोड में पीएम मोदी के आह्वान पर विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव के सानिध्य में तीर्थ क्षेत्र स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं स्वस्थ तन और मन के साथ ही व्यक्ति कुछ बड़ा कर सकता है। उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर हुए अभियान में हिस्सा लिया और मंदिर की सफाई की। वहीं इसके अलावा डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ग्राम माचल में युवा मिलन समारोह, माझी कला में रक्तदान शिविर और रोडवाल स्थित चेतन दास महाराज मंदिर में आयोजित मेले में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आकर 11 गौवंश की गई जान। ढिगावड़ा स्टेशन पर सामने आया हादसा। अज्ञात व्यक्ति द्वारा रेलवे ट्रैक पर छोड़ने के कारण गाय हुई मौत का शिकार।
तीर्थ क्षेत्र स्वच्छ भारत अभियान का हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर मोती डूंगरी हनुमान मंदिर से किया आगाज। सशस्त्र सेनानी दिवस पर श्रद्धांजलि के साथ ही स्टेडियम में की रैली। रक्षा मंत्रालय से जुड़े अनेक विभागों ने लगाए शिविर। और मोक्ष धाम पर ताला लटका होने से शव के साथ इंतजार को मजबूर हुए परिजन। हेडली के ग्राम डोरोली में सामने आई अजब स्थिति। दबंगों द्वारा मोक्ष धाम मार्ग के गेट पर ताला ठोकने से बने हालात। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।